नेचर में है चौधरी जलेश सिंह धनखड़ ने जिनका जिन्होंने इस संस्था की शुरुआत की थी, उनके सुपुत्र भाई प्रदीप धनखड़ जी हमारे बीच हैं जो चेयरमैन है इस संस्था के, और पूरा स्टाफ, ये हमारी बहन जी भी जो है आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में है, इनका भी स्वागत है, और ये पूरी टीम जो अंडर 19 जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त करके अपने प्रांत का, आपके जिले का, आपके गांव का और स्कूल का नाम रोशन किया, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में, और आज हम लेकर के आए हैं झज्जर जिले से एक बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, झज्जर जिले में स्थित एचआर ग्रीनफील्ड स्कूल के विद्यार्थियों और खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में जोरदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया, और आज उनके सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन गांव जहांगीरपुर में किया गया। जिला झज्जर इंटक के जिला अध्यक्ष भाई सरजीत गुलिया जहांगीरपुर, शहीद भगत सिंह समिति जहांगीरपुर एवं समस्त जहांगीरपुर ग्रामवासियों द्वारा अपने लाडले खिलाड़ियों के स्वागत व सम्मान में गांव की मुख्य सड़क से लेकर समारोह स्थल तक विजय जुलूस के रूप में छात्रों के हाथों में तिरंगा देकर उनको सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि एचआर ग्रीनफील्ड स्कूल में पढ़ने वाले ये छात्र जो झज्जर जिले के विभिन्न गांवों से हैं, आज इनके सम्मान में जहांगीरपुर ग्रामवासियों ने स्वागत सम्मान समारोह के आयोजन में ट्रैक्टरों और गाड़ियों के काफिले के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ इन विजयी छात्रों को विजय जुलूस के रूप में ये जहांगीरपुर गाँव तक लेकर के आए, जहाँ उपस्थित जनों ने इन छात्रों की बेहतरीन उपलब्धि पर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। वीडियो में आप देख पा रहे हैं छात्रों के चेहरों पर खुशी है, जोश है, उमंग है, उल्लास है, और जिला झज्जर इंटक के अध्यक्ष भाई सरजीत गुलिया जहांगीरपुर इस कार्यक्रम के सूत्रधार रहे। मंच संचालन कुलदीप दरोगा जी ने किया, और गाँव में पहुँचने पर सभी खिलाड़ियों का, उनके कोच साहिबान का, विद्यालय के MD प्रदीप धनखड़ का, ग्राम वासियों ने, बुजुर्गों ने फूलों की माला पहनाकर व नोटों की माला से जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया। आपको बता दें कि जहांगीरपुर गांव लगातार खेल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। इसी क्रम में आज इन्होंने एचआर ग्रीनफील्ड स्कूल झज्जर में पढ़ रहे उनके गांव के दो खिलाड़ियों सहित पूरी खो खो टीम के सभी उपस्थित सदस्यों को, उनके कोच साहिबान को और विद्यालय के MD से लेकर विद्यालय के शिक्षकों का फूलों की मालाओं से स्वागत किया। जहांगीरपुर में आयोजित इस सम्मान समारोह के दौरान क्षेत्र की गणमान्य उपस्थिति भी रही, जहां बुजुर्गों ने, ग्रामीणों ने फूलों की माला पहनाकर अपने इन लाडलों को स्वागत व सम्मान किया। शहीद भगत सिंह समिति के अध्यक्ष भाई सत्य प्रकाश गुलिया जहांगीरपुर, कुलदीप दरोगा, मुकेश ब्लॉक समिति सदस्य, सरजीत गुलिया, सुमेर नंबरदार, कृष्ण पहलवान, अनिल व गांव के सरपंच प्रतिनिधि समेत तमाम क्षेत्र की गणमान्य जन, महिलाएं, बच्चे वहां पर उपस्थित रहे। युवा साथियों ने अपने इन राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पलकों पर बैठाते हुए उनका जोरदार स्वागत अभिनंदन में पूरे गांव की विजय जुलूस यात्रा भी की। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को गांववासियों के द्वारा फूलों की माला पहनाकर व नोटों की माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। ज्ञात हो कि जहांगीरपुर गाँव के छात्र खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं, और इसी क्रम में आज उनको सम्मानित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जहांगीरपुर गांव के 36 बिरादरी के व्यक्ति वहां पर उपस्थित रहे, और उन्होंने इन छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ अपना बहुमूल्य आशीर्वाद भी प्रदान किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय खो खो टीम के कोच व विद्यालय प्रबंधन ने छात्रों की हौसला अफजाई की, साथ ही उपस्थित जनों को यह विश्वास दिलाया कि यदि छात्र नियमित रूप से अनुशासन के साथ मेहनत करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इस क्षेत्र, इस गांव, इस जिले और प्रदेश सहित देश का नाम रोशन करेंगे। मंच को संबोधित करते हुए इंटक जिला अध्यक्ष सरजीत गुलिया समेत कुलदीप दरोगा जी व विभिन्न गणमान्य जनों ने अपने शब्दों के माध्यम से छात्रों को न केवल शुभकामनाएं दी अपितु उनके उज्ज्वल भविष्य की भी बधाई दी।
ज्ञात हो कि इस तरह के आयोजन से न केवल छात्रों का मनोबल बढ़ता है अपितु उनका खेल के प्रति रुझान व उनका समर्पण भी बढ़ता है। यशदीप जी है जो यशपाल के पोते और दीपक जो है विधि पूर्वक जो है इस प्रक्रिया को चलाते हुए सबसे पहले तो मैं अपने बुजुर्ग है जो रेशाल सिंह उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जो हमारे ये आपके गांव जहांगीरपुर का नाम हर रोज बूंदियों पर जो है जहांगीरपुर का नाम लिखा जा रहा है, आज ये सम्मान समारोह हमारे बहुत ही प्रिय भाई यश और दीपक ये दोनों खिलाड़ी खरखोदा में संपन्न हुई उसमें जो प्रथम स्थान या गोल्ड मेडल जिसने लिया उस टीम के सदस्य रहे हैं और ये पूरी टीम आपके सामने है और जिस स्कूल से जिस विद्यालय से और जिन्हें जो अपने कोच साहबान हैं जिन्होंने तराश कर इस मुकाम तक इनको पहुंचाया है वो आपके सामने बैठे हैं। चयन करने के लिए समाचार क्यारी से संजय शर्मा जी हमारे बीच हैं, उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। ये जिन्हें मैडम हैं इनका स्वागत नर्स कुमार की दादी जी शाल उड़ाकर इनका सम्मान करते हुए आशीर्वाद देते हुए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। सामने देखिए एक बार दीपक की दादी जी जो है सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। कोच साहब हमारे कोच पहुंचे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी पगड़ी का सम्मान ग्रहण करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय हमारे चाचा सुमेर सिंह जी से वो कोच साहब को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें, उनका भी पगड़ी से सम्मान करेंगे चाचा रामकिशन जी। हमारे दलाल साहब का पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे दीपक के दादाजी श्री रामकिशन जी। आने वाले समय के इंडिया के मेन निशानेबाजों में जिसका नाम होगा और जो 24 घंटे खिलाड़ी का ध्यान रखते हैं, ये नहीं कोई खेल खेल में, उसका घर तक भी इनका ध्यान रहता है। इसने के खाया सोया खा रहता है तो ये आपकी जिम्मेवारी इन्होंने सौंपी है कि भाई ग्राउंड में हम इनको खींच कर लेंगे, लेकिन उसके बाद इनको जो है खिलाना, इनकी डाइट का ध्यान रखना, इनके आचार विचार, इनका आराम करने का सब तरीके को आपका ध्यान रहना चाहिए और इनको कामयाब करने के लिए पूरे परिवार को, खिलाड़ी जो है ना पूरा परिवार के पूरा गांव और गवांड मिलके तैयार करता है जब एक खिलाड़ी आगे निकलता है, तो ये बहुत ही शुभकामनाएं के लिए। तो ये कुछ खिलाड़ियों को ये सम्मानित करेंगे, कुछ को हमारे नवनिर्वाचित सरपंच साहब प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाए और इन खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर आशीर्वाद देंगे। भाई सत्य प्रकाश हमारे बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता, शहीद भगत सिंह समाज से समिति के अध्यक्ष भाई सत्य प्रकाश जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाए। हमारे सतपाल की बेटी हैं, चाचा रामकिशन के पोते हैं, गांव जहांगीरपुर के लाडले खिलाड़ी, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं यश को बुलाना चाहूंगा, यश कुमार
हमारे सरपंच साहब सम्मानित करते हुए ये नवजोत के बेटे हैं यशपाल के सपोत्र। मैं सत्य प्रकाश जी से प्रार्थना करूंगा, मैं आ जाए सत्य प्रकाश जी। हमारे शहीद भगत सिंह विकास सेवा समिति के अध्यक्ष और जाट सेवा संघ के जिला अध्यक्ष और बहुत ही सोशल कार्यकर्ता नीडर देशभक्त अपने लाडले का गोल्ड मेडल पहनाकर स्वागत करते हुए मैं प्रार्थना करूंगा रविंद्र जी से। रविंद्र जी आए, मास्टर जी हैं, एक हमारे अनिल कुमार जी जो अभी निर्वाचित हुए हैं ब्लॉक समिति के मेंबर, अनिल कुमार जी से प्रार्थना करूंगा वो भी आए। तरुण कुमार जी का स्वागत करते हुए रविंद्र कुमार जी, अनिल कुमार जी, मास्टर जी, रामपुर जी, यहाँ ब्लॉक समिति मेंबर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मास्टर रामपुर जी मेरी आवाज सुने हो तो उनसे प्रार्थना है, स्वागत किया। अमित कुमार जी का स्वागत करेंगे हमारे दादा दिलीप सिंह आर्य जी, ये भी बड़े जबरदस्त समाज सेवी रहे हैं दादा दिलीप सिंह। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे सुबेदार रामफूल जी से, वो का प्रोग्राम सुबेदार रामफूल जी की तरफ से। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे वीर संजय जी हमारे बीच पहुंचे हैं वरिष्ठ बहुत ही, संजय कुमार जी, संजय शर्मा जी आए और एक विशेष रूप से एक आशीर्वाद देने के लिए एक दो मिनट का समय संजय कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा। समाचार गौरव का फल होता है, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। ये हमारे हरियाणा रोडवेज के प्रधान, बड़े रोजगार देने में इन्होंने बड़ा योगदान दिया है, मैं इस बात का गवाह हूँ। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। मास्टरी डट जाओ, आप जाओ मत, 1100 रुपए की माला डालकर हमारे गोल का इसका सम्मान करते हुए एक बार सामने देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी का सम्मान करते हुए और यश जी का सम्मान करते हुए रणवीर सिंह जी, मयंक कुमार जी का स्वागत करेंगे राजेश कुमार जी, राजेश जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। नंबरदार साहब को नंबरदार साहब का प्रमोशन होकर नंबरदारों के प्रधान बने। योगेश कुमार जी से गुप्तू प्रधान जी से स्वागत करूंगा, वो भी आए। अमित कुमार जी का स्वागत करते हुए आजाद सिंह जी से प्रार्थना करूंगा। आजाद सिंह जी यहाँ बैठे हो तो अमित कुमार जी का स्वागत करते हुए भाई आजाद सिंह